वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोगों के साथ प्रियंका। तो आज का ये वीडियो कुछ होने वाला है खास, क्योंकि ये जो आज की हॉल वीडियो होने वाली है वो मीशो हॉल वीडियो नहीं होगी, बल्कि अमेजोन हॉल वीडियो होगी, जो कि मेरे चैनल पर लगभग एक साल के बाद मैं आपके साथ हॉल वीडियो अमेजोन की शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में ये घंटी होगी उसे हिट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को मिस ना करें। तो बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सॉरी, बीच बीच सर्दी हो चुकी है, इसलिए बीच बीच में जो नेचुरल प्रोसेस है वो हो ही जा रही है। तो सबसे पहले हॉल वीडियो में हम ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं, बाकी डिकोर आइटम हम बाद में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले गले की सेट की ओर आते हैं। तो ये कुछ मीनाकारी वर्क टाइप का सेट है और साइड में व्हाइट पर्ल्स लगे हुए हैं और इसके नेक पर भी इन्होंने कुछ इस तरीके का दिया, और ये ऐसे भी फिलहाल है लेकिन पहनने पर ना कुछ इस तरह की भी हो जाती है। और सिंपल सा चोकर सेट है और ये जो है कलर वो पिंक है, शायद वीडियो में रेड लग रही हो लेकिन ये पिंक है और ये ग्रीन है। और बैक साइड से कुछ सिंपल सा इन्होंने ये दिया और ये तीनों एक दूसरे में अटैच है। और ये मोती, लेकिन है ये बहुत ही नाजुक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। कहा जाता है कि जो चीज़ नाजुक हो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। तो अब इसके इयर रिंग की ओर आते हैं। तो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, जब इयर रिंग मंगाओ ना तो कुछ इसका सिचुएशन कैसे दिखाऊँ, इसका सिचुएशन टेढ़ा होता है ये भी, और डर से मैं ना इसको जैसे वैसे छोड़ रखी हूँ। तो ये है उसका इयर रिंग, सिंपल जो गले का सेट इन्होंने दिया था बिल्कुल उसी तरह का सिंपल सा इन्होंने इयर रिंग दिया है, जो पहनने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरा जो नेक्स्ट एक और आइटम है वो एक वॉल आर्ट है, जो आजकल डिजिटल वॉल आर्ट चले हुए हैं वही है, और मुझे किसी की भी रेट याद नहीं है। और मीशो में तो कोड होते हैं, इसका लिंक होता है, तो वो मैं लिंक आप लोगों का शेयर कर दूंगी। ये जो भी मैंने मंगाया है, मैं सोच रही हूँ कि अपना जो हॉल वीडियो बनाती हूँ ना उसका स्टूडियो बना लूँ, उसके लिए हमने, तो ये है वो कुछ, मुझे ना मधुबनी पेंटिंग बहुत पसंद है, कुछ उसी टाइप का है, मधुबनी पेंटिंग तो नहीं है बट राजस्थानी पेंटिंग, क्या आपको कौन सा पेंटिंग बोलेंगे, कुछ उसी टाइप का ये है। ये सेकंड, क्योंकि मेरे पीछे वॉल पे बहुत खूबसूरत लगेगी जब मैं इसे चिपकाऊंगी। तो इन्होंने तीन दिया है, कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं हम, और इन्होंने वॉल पे चिपकाने के लिए ये डबल साइडेड टेप लगा के रखा है। और ये जो वॉल आर्ट है वो एक प्लाई पर डिजिटल प्रिंट है, जो भी डेकोर आइटम होगी वो डिजिटल प्रिंट वाली ही होगी। मैंने अपने किचन के लिए मंगाया है, इसके रूल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इफ़ यू एम्प्टी इट फिल इट, इफ़ यू डर्टी इट क्लीन इट, बहुत अच्छा है, मतलब कि आप अपने किचन को गंदा करो तो साफ करो, अगर आप उसे खाली करते हो तो उसे भरो, इफ़ यू ओपन इट क्लोज इट, अगर आप उसे किचन को खोलते तो बंद भी करो, इफ़ यू स्प्लिट इट वाइप इट, शायद आप गंदा कर दो तो इसे साफ करो, आई डोंट नो स्प्लिट का स्पिलिंग स्पिल और इफ यू कुक इट सेव इट, अगर आप खाना बनाते हो तो सब तो सेव करो, तो है ना किचन का वीडियो बहुत अच्छा। और हाँ, एक इसमें आइटम जो हमारा है मीशो हॉल का आइटम है, जो मैंने इसके साथ रखा था और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी मीशो से ये भी मंगाया था, बहुत खूबसूरत है यार। तो मंगाते समय तो आपको लगेगा कि बहुत सारे आएंगे, मुझे तो इसका रेट भी नहीं याद है, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले ही मंगाया था। तो ये सिर्फ तो हाँ, मुझे सिर्फ ना
बस ये दो लाइन रिसीव हुई है, मतलब सिर्फ दो लरी, लंबी सी है, दिखाती हूँ। ये यार बस गई है, मैं इधर हॉल वीडियो नहीं बना रही थी ना, सोच रहा था कि कुछ तो ये दो लाइन हमें रिसीव हुई है लंबी सी, जो फोल्ड हो जाने के बाद आपको बहुत सारी लगती है, जो कि अगर आप दीवार पे लगाओ तो बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो मैं जल्दी ये रूम, मतलब ये जो हॉल वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं दूसरे रूम में बना रही हूँ, और मैंने एक बल्ब मंगाया था उसी की लाइट से ये बना रही हूँ। तो जल्दी ही मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो का सेटअप बना लूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो भी वॉल आर्ट ही है, तो ये वो है, क्या है, ब्लेस माई सोल, और एक में ये है, ये लव, और इसके पीछे भी इसी तरह इन्होंने चिपकाने के लिए दिया है। और हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो पक्का लगता है कि मधुबनी पेंटिंग है, और ये तो बहुत ही बाद रखा हुआ था तो शायद कुछ गंदा भी हो गया होगा। ये मैंने होली में ही मंगाया था, लेकिन आज सोच लो होली से तो कितना सारा दिन हो गया, निकल गया। और रखे रखे ना बीच में, ये देखो मतलब मैंने कितना दिन पहले मंगा लिया ना कि इसका हाल बेहाल हो रहा है। मैं देखा ही देता, मैंने रखा था कि सोच जब बनाऊंगी ना डेकोर हॉल तो उसी में ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूरा कपड़ा ही गंदा हो गया। तो ये भी थ्री पीस का आइटम है, जिसमें फर्स्ट आपका ये सब, जितना भी मैंने वॉल आर्ट मंगाया इसमें मुझे सबसे खूबसूरत यही लगता है। इसमें भी शायद कुछ लिखा स्टे कलरियस, तो फर्स्ट ये है, इसके प्रिंट इतने अच्छे है कि नजदीक से भी अच्छी लगती है देखने पर, और दूर से भी। ये रखे रखे ना एक दूसरे से चिपक गए। और दूसरा हमारा ये है, इतनी खूबसूरत है यार, खास कि हम लोग को भी पेंटिंग करने आती। और ये रहा हमारा थर्ड और लास्ट आइटम, वीडियो एंडिंग यही करते हैं। आज के इस डेकोर हॉल वीडियो का एंडिंग यही करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।